So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. And आज अपन start करने वाले हैं SA 810. That is again a newly introduced standard for CA final and very important for your examination. Mark this very standard, very important for your examination. जो अपना ऐसे 800 का सीरीज़ है ना, जो पूरा नया इंसर्ट हुआ है, अगर उस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड कोई है तो आप बोल सकते हो ऐसे 810 है. और स्टैंडर्ड का नाम है एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ SFS. शॉर्ट में यूज़ किया मैंने SFS. तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, मेरे साथ कुछ बेसिक बातें नोट डाउन करोगे और उसके बाद फिर अपन बुक से देखेंगे, ठीक है. तो स्टैंडर्ड का नाम है SA 810, दैट इज एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब बहुत प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, बहुत इजी स्टैंडर्ड है, थोड़ा लेंथी है, बट अगेन अगर आप समझ जाओ तो बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है. इट्स वेरी सिंपल. तो अब सबसे पहले, जैसे कि स्टैंडर्ड का नाम है एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब ये बात मेरे को समझ में आ रही है कि भैया कुछ मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर कुछ बना रही होगी और फिर उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब वो ऑडिट कराएगी तब मेरे को ऐसे 810 फॉलो करना पड़ेगा. आई थिंक इतनी बात तो लॉजिकली मेरे को समझ में आती है स्टैंडर्ड का नाम रीड करके, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर कुछ बना रही है और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब वो ऑडिट कराएगी और जब मैं उस ऑडिट को करूँगा तो मेरे ऊपर ऐसे 810 लगेगा. अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर हम बात करें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाम से पता चल रहा है कि ये फुल फ्लैजेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनता है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ये उसी से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है. तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरा डिटेल्ड में बनता है. लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहती है कि भाई उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग समराइज करेंगे और एक समराइज्ड पिक्चर यूजर के सामने रखेंगे तो उसको बोलेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई स्पेसिफिक यूज़र है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे फुल फ्लैजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीड नहीं है, मुझे तुम समरी दे दो. होता है ना, अपन भी बोलते हैं क्लास के अंदर, सर अपने को फुल नोट से नहीं पढ़ना, सर अपने को समरी दे दो. तो मैं आपको समरी दे देता हूँ. अब वो जो समरी भी डिराइव्ड होता है, कहाँ से डिराइव्ड होता है, मेरे फुल नोट से डिराइव्ड होता है. सिमिलरली अगर मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहाँ से डिराइव्ड होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही डिराइव्ड होगा, ठीक है. लेकिन वो कंपैरेटिवली लेसर डिटेल्ड होगा, तभी तो वो समरी है. बट अल्टीमेटली वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, वो डिराइव्ड हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है. बट अगेन वो समराइज्ड वर्जन है, ठीक है, वो समराइज्ड वर्जन है. बट कहीं भी वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनकंसिस्टेंट नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता यार कि रेवेन्यू का फिगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा है और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्टीमेटली जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिराइव्ड तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही है, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर सुनो, 10 से 15 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनो, आपको पूरा स्टैंडर्ड बढ़िया से समझ आ जाएगा और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी समझ आ जाएगा. तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कंपनी है ABC, ठीक है. तो अब वो क्या करती है, प्रिपेयर, नॉर्मली वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसे ऑडिट करवाती है बाय इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि कंपनियां क्या कर रही है, सर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है और उसे ऑडिट करवा रही है बाय द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट कभी कभी किसी लॉ के रिक्वायरमेंट की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट की वजह से कंपनीज को प्रिपेयर करना पड़ता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. अब ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लेसर डिटेल्ड होता है. बट अल्टीमेटली इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट विल बी कंसिस्टेंट विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये उसी से डिराइव्ड है. कभी भी इंफॉर्मेशन मिसमैच नहीं हो सकता, ठीक है. अब ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको बनाने का भी एक क्राइटेरिया होता है, इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का भी एक तरीका होता है, एक क्राइटेरिया होता है, जो या तो लॉ के द्वारा दिया जाता है, या तो लॉ प्रिस्क्राइब करता है, या फिर मैनेजमेंट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को देखकर उस क्राइटेरिया को डेवलप करती है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार कि मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो बिल्कुल अपनी मर्जी से बना रही है, जैसा मन करे वैसा बना रही है. नहीं, उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का भी एक क्राइटेरिया होता है, देयर इज ए क्राइटेरिया, ठीक है ना, देयर इज ए क्राइटेरिया. तो उस क्राइटेरिया के तहत मैनेजमेंट क्या करता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. और वो जो क्राइटेरिया है या तो कोई रेगुलेटरी बॉडी प्रिस्क्राइब करता है, और अगर किसी रेगुलेटरी बॉडी ने उस क्राइटेरिया को प्रिस्क्राइब नहीं करा तो इन दैट सिनेरियो जो भी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उसी हिसाब से मैनेजमेंट उस क्राइटेरिया को डेवलप करता है। तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट क्या करता है सर, प्रिपेयर करता है उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अभी हो सकता है आपको पूरी बातें समझ ना आ रही हो, अभी एक दो एग्जांपल शेयर करूंगा मैं आपके साथ, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि समटाइम्स ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्टी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि डिराइव्ड होती है फ्रॉम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो कि लेसर डिटेल्ड होता है। और ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये क्राइटेरिया के तहत बनता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया के तहत बनता है। एसए 810 में उसके लिए वर्ड यूज किया गया है एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्राइटेरिया के तहत बनता है जिसे कोई रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफाई करता है। और अगर किसी रेगुलेटरी बॉडी ने कोई क्राइटेरिया वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो जो भी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उस हिसाब से क्राइटेरिया डेवलप कर लेगा मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक चीज समझना, लॉजिकली समझना, वो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कहाँ से डिराइव्ड है, वो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है। इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से लिया गया है, सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से डिराइव किया गया है। सो दैट इज वाई ये स्टैंडर्ड कहता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट वही बंदा करेगा जिसने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है। क्या कहता है स्टैंडर्ड कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है वो भी वही बंदा करेगा जिसने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है। इट हैज टू बी द सेम पर्सन। ठीक है ना, तो एक बार के लिए इतनी बातें नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम टेल यू, अभी 10 से 20% भी तुमको बात समझ में आई है चलेगा, अभी 10 मिनट में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का। सेक्शन 136 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, याद करो सेक्शन 136 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 136 में ना जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह अपने मेंबर्स को एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट कर सकते हो और फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पाए जाएंगे उसका एक रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है ना, तो सेक्शन 136 के अंदर लिस्टेड कंपनीज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि इंस्टेड ऑफ इशूइंग द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर्स, आप लोग क्या करो, एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको सर्कुलेट कर दीजिए और रेफरेंस दे दीजिए कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, अब एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो समरी है। तो सेक्शन 136 लिस्टेड एंटिटीज को ऑप्शन देता है कि आप लोग चाहो तो मेंबर्स को क्या कर सकते हो सर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द फुल फ्लैटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन आपको साथ में फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे उसका रेफरेंस देना होगा। मतलब द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अवेलेबल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। समझ पा रहे हो? अब वहाँ पे जो कंपनीज अकाउंट्स रूल्स है, कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, वहाँ फॉर्म AOC 3 एंड AOC 3A दिया गया है और फॉर्म AOC 3 के अंदर बताया गया है कि जो भी नॉन इंडियस बेस्ड कंपनीज हैं उनको अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। और जो फॉर्म 3A है वहाँ बताया गया है कि जो भी इंड एएस कंप्लाइंट एंटिटीज हैं, जो भी इंड एएस बेस्ड कंपनीज हैं उनको अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो वहाँ पे सेक्शन 136 में भी जो एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है तो फॉर्म AOC 3 के तहत वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। और अगर इंड एएस बेस्ड कंपनीज है तो फॉर्म AOC 3A के तहत वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। तो वहाँ पे वो जो फॉर्म AOC 3 है और फॉर्म AOC 3A है वो क्या है, दैट इज द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो मैनेजमेंट को वहाँ पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया दैट इज यू नो AOC 3 और 3A, और वहाँ पे द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो भी अवेलेबल टू द यूजर्स विदाउट अंडू डिफिकल्टी। और जो कंपनी का स्टैट ऑडिटर होगा वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट करेगा ही करेगा, वो एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करेगा। और जब वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला है SA 810, और 810 के प्रोसीजर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो सेक्शन 136 ऑफ कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनीज दे हैव द ऑप्शन टू प्रिपेयर एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सर्कुलेट टू मेंबर्स, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो द अप्लाइड क्राइटेरिया इज Form AOC 3 for the accounting standard based companies and Form AOC 3A for the Ind AS based companies, and reference where full financial statements can be found is given। तो सेम रिक्वायरमेंट ऐसे 810 में भी है, सेम रिक्वायरमेंट ऐसे 810 में भी है, जो पार्टिकुलरली कहता है कि ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जब भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है मेंबर्स को, तो वेदर द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। ठीक है ना, या तो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साथ में सर्कुलेट हो रहा हो, और अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में सर्कुलेट नहीं हो रहा हो तो उसका क्लियर कट रेफरेंस दिया गया हो कि फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पाए जा सकते हैं, एंड दैट मस्ट बी अवेलेबल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी अंडू डिफिकल्टी। तो समझ में आया ना कि सेक्शन 136 में भी वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ जो एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करेंगी उनका भी ऑडिट होगा, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, और वहाँ पे वो ऐसे 810 लगाएगा, और फॉर्म AOC 3 और AOC 3A वहाँ पे आपके लिए एप्लीकेबल क्राइटेरिया है। तो ये पार्टिकुलर पोर्शन आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। अब जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं भाई एज सच उनके लिए वहाँ पे कोई अप्लाइड क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगी सर, अप्लाइड क्राइटेरिया अप्लाई करेगी, अप्लाइड क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करेगी एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, मे बी बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम सोच के देखो, लॉजिकल सी चीज सोच के देखो कि अपना फ्लो ऑफ ऑडिट क्या रहेगा। मैं सानिध्य सराफ में कंपनी के फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ, तो लॉजिकली मैं ही क्या करने वाला हूँ, कंपनी के समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने से पहले ऑब्वियसली कुछ कंसिडरेशन होंगे मेरे जो मैं रिजॉल्व करूंगा। ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू करूंगा। ठीक है, और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद मैं एविडेंसेस लूंगा और मैं रिपोर्टिंग करूंगा। तो मेरा फ्लो ऑफ ऑडिट तो यही रहने वाला है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस चेंज तो होने नहीं वाला। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, जैसा कि ऐसे 800 और 805 में भी देखा था। तो मेरा फ्लो ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, इसके अंदर भी मेन प्रोसीजर्स, अदर कंसिडरेशंस एंड रिपोर्टिंग। तो समझो बात को ध्यान से, मैनेजमेंट क्या करती है सर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, और लिस्टेड कंपनीज के केस में प्रैक्टिकली आपने देखा कि अप्लाइड क्राइटेरिया कौन सी होगी, या तो अप्लाइड क्राइटेरिया कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के देगा, या फिर कंपनी क्या करेगी, खुद अप्लाइड क्राइटेरिया सेट करेगी एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स। और एज ए स्टैट ऑडिटर मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूं और मैनेजमेंट मेरे को समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने का ऑफर दे रही है, सो इन दैट सिचुएशन सबसे पहले मैं देखूंगा क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा तब जाके मेरा मेन ऑडिट कंसिडरेशन शुरू होगा। मैं अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगा, एविडेंसेस लूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा, और मेरा मेन कंसिडरेशन तो यही रहने वाला है भाई कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं। जिस तरीके से नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते वक्त हम देखते हैं ना कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर द APRF, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक उसी तरीके से यहाँ मैं क्या देखने वाला हूँ कि वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। और दूसरी चीज मुझे एक और चीज देखनी होती है जो बहुत लॉजिकल है, कि एक चीज समझो तुम कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से डिराइव्ड है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या ये सचमुच एक फेयर समरी है ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इट इज अ फेयर समरी, क्या ये एक्चुअली में उसी से डिराइव्ड है, क्या इंफॉर्मेशन मैच कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन अपन में कंसिस्टेंट है। अगर ये जो समरी है ये फेयर समरी नहीं है, रेवेन्यू के फिगर्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और दिया हुआ है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, इन्वेंट्री का फिगर वहाँ कुछ और दिया हुआ है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, अगर ये इन रियल सेंस फेयर समरी ही नहीं है तब तो भैया मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। और अगर ये फेयर समरी हुई और एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हुई तब जाकर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है ना। तो मेरा मेन ऑडिट कंसिडरेशन तो यही रहने वाला है कि भैया ये जो पार्टिकुलरली समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है ये एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं है, और दूसरा ये फेयर समरी है कि नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. तो दिस इज गोइंग टू बी माय मेन ऑडिट कंसिडरेशन. ठीक है ना, तो एक एक करके देखेंगे अपन ऑडिट के फ्लोज अपने. बट तुम ये समझो यार कि जो अपना मेन ऑडिट कंसिडरेशन है, जो अपना मेन ऑडिट कंसिडरेशन होगा वो क्या होगा. तो मेन ऑडिट कंसिडरेशन इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर यही होने वाला है कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है whether it is as per applicable criteria, and दूसरा whether it is a fair summary, whether it is a fair summary, क्या ये fair summary है ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है ना, तो मेरा मेन ऑडिट कंसिडरेशन तो सर यही रहने वाला है. और अब तुम बोल सकते हो कि अब जाकर मेरा रियल स्टैंडर्ड SA 810 शुरू है. अभी तक जो आपने डिस्कस किया था दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन टू SA 810. अब जाकर मेरा मेन SA 810 शुरू है कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और रिपोर्टिंग किस प्रकार से रहेगा. मेन ऑडिट के अंदर तो ये तीन मुद्दे अपने को क्या करने हैं सर, डिस्कस करने हैं. तो अपना सबसे पहला टॉपिक दैट इज फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे. तो मैंने तुमको क्या बताया भाई कि नॉर्मली यहाँ पे क्या होने वाला है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर कि क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही डिराइव्ड है, इसीलिए क्या होने वाला है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बंदा ऑडिट कर रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है, वो सेम बंदा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करेगा. यानी इंडिपेंडेंट ऑडिटर सेम होगा. ठीक है ना, वो सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करने वाला है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करने वाला है. स्टैंडर्ड में आप देखोगे बैर एक्ट में वर्ड यूज किया हुआ है ऑर्डिनरली द असाइनमेंट, दिस पार्टिकुलर असाइनमेंट of audit of summary financial statement shall be accepted by the same person. वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ordinarily, मतलब आम दौर पे सेम बंदा ही एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट इस ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर ले, बट आम दौर पे सेम बंदा ही एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो ओनली ऑडिटर ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सेप्ट द असाइनमेंट. और दूसरा डिटरमाइन वेदर AC इज एक्सेप्टेबल, डिटरमाइन की जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. ठीक है, तो जिस तरीके से ऐसे 210 में अपन देखते हैं कि डिटरमाइन वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल, उस तरीके से यहाँ पे मैं देखूंगा डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल. और याद करो ऐसे 210 के अंदर जो प्री कंडीशंस का अपना मेन स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे भी असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले अपन मैनेजमेंट से राइटिंग में कुछ चीज़ें लेते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उनका काम है, इंटरनल कंट्रोल बनाना उनका काम है, और वो अपने को एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हैं टू ऑल द इन्फॉर्मेशन. उसी तरीके से 810 में भी काम एक्सेप्ट करने से पहले अपन मैनेजमेंट से राइटिंग में लेंगे, एग्रीमेंट एंटर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी सर, कि प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका काम है, और वो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया गया है. तो जिस तरीके से 810 में हुआ करता था कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, उसी तरीके से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट से राइटिंग में लेंगे, एग्रीमेंट एंटर करेंगे कि भैया प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहाँ इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेस वाला पॉइंट नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ या तो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मेंबर्स को प्रोवाइड करोगे. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आप या तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भी मेंबर्स को प्रोवाइड करोगे, और अगर आप साथ में प्रोवाइड नहीं भी करते हो तो आप क्लियर कट रेफरेंस दे दोगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे. जैसे कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज क्या करती है, वेबसाइट का रेफरेंस दे देती है कि फॉर मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर आवर वेबसाइट, और आप वेबसाइट से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. तो मतलब मेन मुद्दा क्या है कि जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अवेलेबल होना चाहिए टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी. तो दूसरा चीज ऑडिटर क्या लेगा, मैनेजमेंट से राइटिंग में लेगा कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अवेलेबल होने वाला है टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी. ठीक है, और तीसरी चीज वो मैनेजमेंट से एग्रीमेंट में लेगा कि पार्टिकुलरली जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होने वाला है, जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होने वाला है, उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर जो अपना ऑडिट रिपोर्ट है वो भी इंक्लूड होगा. ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली समरी के साथ जो मेन चीज़ है वो तो जानी ही चाहिए. तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना ही चाहिए, समरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ मेन ऑडिट रिपोर्ट जाना ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से राइटिंग में ले लेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ SFS इन अकॉर्डेंस विद AC उनका काम है, वो अवेलेबल करेंगे AFS 2 यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट to intended users without any undue difficulty, and they are going to include audit report on summary financial statement in the document containing summary financial statement. और अगर भाई साहब मान लो मैंने ये देखा कि क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा. तो अगर यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं क्या नहीं करूंगा, ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा. जिस तरीके से ऐसे 810 में 210 में देखते थे कि अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसी तरीके से यहाँ पे अगर जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तब मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा. सिंपल सी चीज़ है. ये पहला पार्ट हो गया स्टैंडर्ड का, दैट इज फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट. ठीक है ना, फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट. अब उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स का पोर्शन. तो ऑडिट प्रोसीजर्स का जो पोर्शन है वैसे तो बहुत लंबा है, अभी अपन मेन मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, फिर बाकी चीज़ें अपन बुक से देखेंगे. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मेरा ऑडिट प्रोसीजर किस प्रकार से होगा. तो देखो लॉजिकल से चीज़ सोचो, तुम दिमाग लगाओ, तुमको क्या देखना रहेगा. लॉजिकल से चीज़ सोचो, बताओ मुझे क्या देखना रहेगा. सर 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 मैं ये देखूंगा कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयर समरी है कि नहीं. सर मैं ये देखूंगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बना है कि नहीं. अब एक चीज़ बताओ, उस अप्लाइड क्राइटेरिया के बारे में यूज़र को भी डिस्क्लोजर जाना चाहिए कि नहीं. बिल्कुल जाना चाहिए. तो सर 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 मैं ये देखूंगा कि अप्लाइड क्राइटेरिया के बारे में हमने यूज़र्स को डिस्क्लोज करा है कि नहीं, मैनेजमेंट ने यूज़र्स को डिस्क्लोज करा है कि नहीं. सर 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 मैं ये देखूंगा कि अप्लाइड क्राइटेरिया फेयर समरी है कि नहीं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है कि नहीं, इसलिए मैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करूंगा और कंपेयर करके ये देखूंगा कि वो कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है. तो आई थिंक लॉजिकली तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रहा है तुमको क्या देखना है. फिर मैं ये देखूंगा कि सर अलॉन्ग विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल कराया जा रहा है विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी. तो एक तो देखूंगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया, दूसरा देखूंगा डिस्क्लोजर ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, तीसरा मैं देखूंगा अवेलेबल टू द यूजर्स विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, चौथा मैं कंपैरिजन करूंगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और ये देखूंगा सर कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है. तो लॉजिकली अपने को समझ में आ रहा है कि मेनली अपने को क्या क्या देखना है यहाँ पे. तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स याद रखिएगा, 6 बातें अपन इवैल्यूएट करेंगे और एक चीज़ अपन कंपेयर करेंगे. 6 बातें अपन इवैल्यूएट करेंगे, एक चीज़ अपन कंपेयर करेंगे. मतलब जो बैर एक्ट के शब्द हैं तो 6 पॉइंट्स में उन्होंने वर्ड यूज़ किया इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट, और एक जगह उन्होंने वर्ड यूज़ किया कंपेयर. और कंपेयर किसको किससे करोगे. आई थिंक लॉजिकली तुम मुझे बता सकते हो कि सर हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे. और इवैल्यूएट क्या करेंगे, तो मोस्टली वही सारी चीज़ें इवैल्यूएट करेंगे, एप्लीकेबल क्राइटेरिया, डिस्क्लोजर ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, मिसलीडिंग तो नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी. तो नॉर्मली यही सारी चीज़ें अपन इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है. तो 6 बातें इवैल्यूएट करेंगे, एक चीज़ें कंपेयर करेंगे. 6 बातें इवैल्यूएट करेंगे, एक चीज़ें कंपेयर करेंगे. कौन सी 6 बातें इवैल्यूएट करेंगे, देखो अब याद करना अपने को. इवैल्यूएट 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 इवैल्यूएट. कौन सी 6 बातें इवैल्यूएट. तो पहला, वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देयर समराइज्ड नेचर. क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है कि मैं समरी हूँ. क्या मैनेजमेंट क्लियरली डिस्क्लोज करता है कि दिस इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वरना हो सकता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लें. तो क्लियर कट रेफरेंस होना चाहिए, भैया ये समरी है, ये 100% इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट नहीं करता है, ये डिराइव्ड है फ्रॉम द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अपने को इवैल्यूएट करना है वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देयर समराइज नेचर, ठीक है. दूसरी चीज मैंने क्या बोला था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होना चाहिए विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी. या तो साथ में सर्कुलेट कर दो या क्लियर कट रेफरेंस दे दो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पाए जा सकते हैं. तो क्या करना है अपने को, इवैल्यूएट करना है वेदर दे क्लियरली डिस्क्राइब वेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना. और अगर मान लो कोई लॉ या रेगुलेशन ऐसा कहता है कि भैया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में प्रोवाइड नहीं करने से भी काम चलेगा, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो उस लॉ या रेगुलेशन का रेफरेंस देना है जो कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. तो क्लियर कट रेफरेंस देना है कि वेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी फाउंड, कि भैया वेबसाइट का क्लियर कट रेफरेंस दे दो कि वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. और अगर बाई चांस कोई लॉ रेगुलेशन ऐसे रिक्वायरमेंट इंपोज करता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो साथ में डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस पार्टिकुलर लॉ का भी रेफरेंस दे दो. तीसरी चीज, वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज क्लियरली डिस्क्लोज्ड, क्या एप्लीकेबल क्राइटेरिया को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है, क्या एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बारे में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया गया है। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दे आर कंसर्न्ड विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंड दे आर कंसर्न्ड विद अवेलेबिलिटी ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। वो समरी है ना, लेकिन समरी में भैया सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, आप मेन इन्फॉर्मेशन खा तो नहीं सकते हो। जो भी एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो नॉर्म्स बताता है, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, क्या मेन मेन मुद्दे हैं, क्या मेन बातें हैं। तो भैया वेदर इट कंटेन्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ नॉट मिसलीडिंग। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे बैर एक्ट में बुक में कि वहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया गया है कि कहीं एग्रीगेशन तो नहीं हुआ, कहीं एग्रीगेट तो नहीं किया, मतलब भरा चढ़ा कर किसी एक ही एरिया के बारे में ज़्यादा बात कर दिया, बाकी इन्फॉर्मेशन स्किप कर दिया, ऐसा तो नहीं किया है ना, कहीं एग्रीगेशन तो नहीं किया है ना, प्रॉपर सेग्रीगेशन किया है ना, सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया है ना, और वो मिसलीडिंग तो नहीं है। उसके बाद पर्पस, कि भैया पर्पस क्या है, समरी बनाया क्यों है, लॉ के रिक्वायरमेंट है, किसी यूजर के लिए बनाया है, पर्पस क्या है, यानी वो पिया वाला पर्पस। ठीक है ना, एंड वेदर इट इज अवेलेबल टू यू नो इंटेंडेड यूजर्स, वेदर इट इज अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होगा टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो एज ए ऑडिटर मैं ये 6 बात इवेलुएट करूंगा। कौन सी 6 बात, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है कि मैं समरी हूँ, चिल्ला चिल्ला कर वो कहता है मैं समरी हूँ, मतलब क्लियरली मेंशन किया मैनेजमेंट ने ये समरी है। दूसरा, वो क्लियरली डिस्क्राइब, वहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि नहीं फ्रॉम वेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मेड अवेलेबल। तीसरा, एप्लीकेबल क्राइटेरिया का डिस्क्लोजर किया गया है कि नहीं। चौथी चीज, कहीं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है कि नहीं। पांचवी चीज, इवैल्यूएट करेंगे पर्पस क्या है, और छठी चीज इवैल्यूएट करेंगे कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो अवेलेबल है टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। और सातवां पॉइंट क्या है, कंपेयर करेंगे, पहले इवैल्यूएट करेंगे और अब कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किसको किससे करेंगे सर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करेंगे, और ये देखेंगे आपस में वो एग्री कर रहे हैं कि नहीं, वेदर इट इज अ फेयर समरी, आपस में वो एग्री कर रहे हैं कि नहीं। और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से रिकैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं फ्रॉम द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फेयर समरी होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पक्की बात है कि उसको रिकैलकुलेट किया जा सकेगा। क्या किया जा सकेगा, रिकैलकुलेट किया जा सकेगा। तो एकदम लॉजिकल सी चीज है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हो गया। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 6 बातें इवैल्यूएट करूंगा, एक चीज कंपेयर करूंगा। ठीक है, बुक में क्लियरली दिया हुआ है। और उसके अलावा आप क्या देखने वाले हो स्टैंडर्ड में, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, अपना रिपोर्टिंग किस प्रकार होगा, कब कब अपन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे, कब कब मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे, कब क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर देंगे। और फिर कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी होंगे जो अपन देखने वाले हैं कि भाई कंपैरेटिव्स इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, कंपैरेटिव्स इंक्लूड होने वाला है कि नहीं, जो ऐसे 810 पर 710 पढ़ते थे हम लोग। फिर अगर जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है अगर वो साथ में प्रेजेंट किया जा रहा है तब क्या करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्या करना है। अदर इन्फॉर्मेशन अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सर्कुलेट की जा रही है तब क्या करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्या करना है। मतलब बोल सकते हो यार एप्लीकेशन ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स, अदर इन्फॉर्मेशन का जिक्र ऐसे 720 में है, कंपैरेटिव्स का जिक्र ऐसे 710 में है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जिक्र ऐसे 560 में है। तो आप बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स, application of SA 560, application of SA 710, application of SA 720 in this particular standard, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, 6 बातें इवैल्यूएट करेंगे, एक बात कंपेयर करेंगे। अब आप सोचो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, तो ये बिल्कुल सिमिलर होगा एसए 700 से। याद करो एसए 700 में ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता था। टाइटल आता था, देन एड्रेसी आता था, देन उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता था, फिर उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती थी, उसके बाद अपना आता था गोइंग कंसर्न, ईओएम, ओएम, ठीक है ना, अदर इन्फॉर्मेशन, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। अब तुम यहाँ इतनी सी बात याद रखो कि भैया जो स्पेशल पैराग्राफ्स थे ना, गोइंग कंसर्न, ईओएम, ओएम, अदर इन्फॉर्मेशन, वो सारा नहीं आएगा। जो अपने जनरल पैराग्राफ्स थे ना, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी रिस्पॉन्स, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, ओपिनियन, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, वो सारा यहाँ भी आएगा। खाली अंदर का कंटेंट जो है सुटेबली मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, देखना एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या आएगा, तो सर टाइटल आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस ही आ जाएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगा। खाली डिफरेंस क्या होगा कि ऐसे 700 में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, तो उसके अंदर क्लाइंट का इंट्रोडक्शन आता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बातें होती थी और ओपिनियन भी जाता था। लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ओपिनियन नहीं आएगा, ओपिनियन का अलग पैराग्राफ होगा। पहली बात कि यहाँ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ओपिनियन नहीं आएगा, ओपिनियन का अलग से पैराग्राफ होगा। और दूसरी बात, यहाँ अपन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ अपन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे, यहाँ अपन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, यहाँ अपन क्लाइंट का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या आने वाला है, हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं दो चीज़ें, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ इंट्रोडक्टरी पैरा में वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एसएफएस एंड एएफएस। दूसरी चीज़, हम लोग रेफरेंस देने वाले हैं टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, कि मेन ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पाया जा सकता है। और तीसरी चीज़, एक स्टेटमेंट आएगा जिसमें हम यूजर्स को क्लियर कट बता देंगे कि भैया ये समरी है, इसमें सारा डिस्क्लोजर्स नहीं है। तो एक स्टेटमेंट आएगा दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर्स, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्टरी पैरा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हम लोग रेफरेंस देंगे मेन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, और एक स्टेटमेंट आएगा दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर्स। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। खाली डिफरेंस क्या होगा, वहाँ आता था कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, यहाँ आ जाएगा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, फिर जो भी अपना ओपिनियन है ओपिनियन आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगा, फिर प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है ना। डेट में खाली एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है सर, कि भाई जिस दिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया और आपन ने उसके बारे में एविडेंस लिया, क्या उससे पहले अपना डेट ऑफ रिपोर्ट हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ कि मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रही है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लीजिए 30 जून को, ठीक है, और आपन उसके बारे में एविडेंसेस ले रहे हैं, मान लीजिए 15 जुलाई को। तो भाई जब हम लोग एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं सफिशिएंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, क्या उससे पहले का मेरा डेट ऑफ रिपोर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, जो अपना मेन ऑडिट रिपोर्ट है वो पहले इश्यू होगा या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट? तो मेन ऑडिट रिपोर्ट पहले इश्यू होगा, तो अपना डेट उस डेट से पहले भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये जो डेट है ना, दिस शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एएफएस। समझ में आया कि ये जो डेट है दिस शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एएफएस। और फिर आ जाएगा अपना प्लेस, फिर आ जाएगा अपना सिग्नेचर, और एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एकदम ईजी है यार, एकदम आसानी से तैयार हो गया। नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है भैया, सो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन। तो हम लोग कर रहे थे ऐसे 810, ठीक है। तो ऐसे 810 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक आपने देखा था। अब इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पैरा का जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलग से एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंट्रोडक्टरी पैरा एज पर ऐसे 810, ठीक है ना। तो इस पार्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या क्या आएगा? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आएगा दो चीज़ों का, आइडेंटिफिकेशन दो चीज़ों का, एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है, उसका रेफरेंस आएगा, ठीक है। और तीसरा एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिस्क्लोजर्स। रादर 3 नहीं 4 पॉइंट आएंगे। 4 पॉइंट क्यों? क्योंकि ये तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बना दिया कि आइडेंटिफाई से दो, लेकिन आप देखोगे कि आइडेंटिफाई का दो अलग अलग पॉइंट है। आइडेंटिफाई द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक पॉइंट है। आइडेंटिफाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक पॉइंट है। रेफरेंस टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, ये तीसरा पॉइंट है। और एक स्टेटमेंट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर्स, तो ये अपना चौथा पॉइंट है। और उसके अलावा जो डेट वाला पार्ट है, ये भी अपने को याद रखना है कि डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट, द डेट ऑफ ऑडिट एविडेंस। एंड जिस दिन अपन ने एविडेंसेस ऑब्टेन करा है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, एंड दूसरा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि लॉजिकल सी चीज़ है भैया कि पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होएगा, उसी के बाद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होगा, तो इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। एंड उसके अलावा तुमको सुटेबल मॉडिफिकेशंस ध्यान रखने हैं कि अगर हम बात करें एसए 700 की, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा में आएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर हम बात करें एसए 810 की, तो यहाँ आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, अपने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया। बाकी के टॉपिक्स अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से देख सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने स्टैंडर्ड का, आर ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड व्हाट इफ द ओपिनियन ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिफर फ्रॉम द ऑडिटेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि सर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रखा है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ओपिनियन जो मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देने वाला हूँ, और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने ओपिनियन दिया है तो उस पार्टिकुलर ओपिनियन का समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन में क्या प्रभाव है, उस पार्टिकुलर ओपिनियन का समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन में क्या इफेक्ट है। इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। पहला सिनेरियो है कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने इशू कर रखा है क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना, क्या कर रखा है, क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर रखा है, मतलब एडवर्स इशू नहीं कर रखा है, डिस्क्लेमर इशू नहीं कर रखा है, या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन इशू नहीं करके मैंने किसी मैटर को हाईलाइट कर रखा है ऑन द एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, या फिर मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन जारी नहीं करके हाईलाइट कर रखा है किसी मैटर को ऑन द अदर मैटर्स पैराग्राफ इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस चीज का प्रभाव समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आने वाला है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्या आने वाला है। अब एक चीज मैं तुमको बताऊं, लॉजिकली यहां पे की ऑडिट मैटर्स भी आना चाहिए था, लॉजिकली यहां पे अदर मैटर्स पैराग्राफ भी आना चाहिए था कि क्वालिफाइड ओपिनियन, राइट, क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एन एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर एन अदर मैटर पैराग्राफ या फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ या फिर अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसे है पुराना, अब नए स्टैंडर्ड्स तो आ गए, की ऑडिट मैटर का नया स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन का नया स्टैंडर्ड आ गया, बट आईसीआई ने करस्पॉन्डिंगली ऐसे 810 को अमेंड नहीं करा यहाँ पे, सो दैट इज वाई यहाँ पे ये वर्ड्स मिसिंग है, बट प्रैक्टिकली तुमको बताऊं तो वो भी आना चाहिए। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर हमने क्या कर रखा है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा है या फिर ईओएम या ओएम पैरा में चीजों को हाईलाइट कर रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, बोला अगर मैं सेटिस्फाइड होना कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट है और फेयर समरी है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब मेरे को इस बात की संतुष्टि तो है कि भैया जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फेयर समरी है और एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है। मतलब आइडियली एंड लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइड कर दूँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ना सोचूँ, सिर्फ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सोचूँ, तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट that is as per the applicable criteria, यानी मेरे को unmodified opinion issue करना है। Logical सी चीज़ है कि मेरे को क्या करना है सर, unmodified opinion issue करना है, लेकिन मैंने audited financial statement में क्या issue कर रखा है, qualified opinion issue कर रखा है या फिर EOM या OM paragraph include कर रखा है, so in that particular scenario में क्या करूँगा, report on summary financial statement should state that the report on audited financial statement contains qualified / EOM / OM, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो मैंने इशू कर रखा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो जो यूजर है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो तो देखकर यही समझेगा ना कि अरे वाह अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर रखा है ऑडिटर ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे को ये चीज़ रेफर करना होगा कि जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है उस मेन ऑडिट रिपोर्ट में मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है, या मेन ऑडिट रिपोर्ट में मैंने इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा में ये बात इंक्लूड कर रखी है कि लेट असेट एक्टर्स को रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 की लिमिट से ज़्यादा पे किया गया है, या फिर मेन जो अपना ऑडिट रिपोर्ट है EOM पैरा में मैंने ये बात इंक्लूड कर रखी है कि कंपनी के अगेंस्ट कुछ पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, ठीक है, या फिर मेन जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अदर मैटर पैरा में मैंने ये बात इंक्लूड कर रखी है कि कंपोनेंट्स का ऑडिट किसी और ने किया है। तो वो रेफरेंस मैं यहाँ पे भी दूंगा, ठीक है ना, वो रेफरेंस मैं यहाँ पे भी दूंगा और साथ में ये बताऊंगा कि मेन ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन देने की वजह से या फिर EOM या OM में चीज़ें इंसर्ट करने की वजह से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, वेदर एनी इफेक्ट इज कमिंग ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगला सिनेरियो है कि अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने एडवर्स ओपिनियन दे रखा है या मैंने डिस्क्लेमर दे रखा है ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये दो तो एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गए एज पर एस 705, जहां पे क्या होने वाला है सर कि जो मिस स्टेटमेंट है उसका मटेरियल प्रभाव भी है, परवेसिव प्रभाव भी है। जब हम एडवर्स देते हैं मतलब मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया और मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि मिस स्टेटमेंट का मटेरियल प्रभाव भी है और परवेसिव प्रभाव भी है। और डिस्क्लेमर मतलब कि मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो नहीं मिला, बट जो पोटेंशियल इफेक्ट मेरे को नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि भैया मटेरियल प्रभाव भी रहेगा और परवेसिव इफेक्ट भी रहेगा। सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो अब मैं क्या स्टेट करूंगा, सेम सिनेरियो सेम चीज, अब मैं यहां बताऊंगा अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भैया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने डिस्क्लेमर एडवर्स दे रखा है या डिस्क्लेमर दे रखा है, एंड क्या रीजन है हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स क्यों दे रखा है, डिस्क्लेमर क्यों दे रखा है, तो मैं वो चीज बताऊंगा। ठीक है, अब याद करो ऐसे 805, तो ऐसे 805 में मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर मेन ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या दे रखा है, एडवर्स या डिस्क्लेमर दे रखा है, तो इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिटर टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताया था ना। तो सेम लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल है, सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है कि सर मैंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एडवर्स दे रखा है या डिस्क्लेमर दे रखा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो मिस स्टेटमेंट्स का प्रभाव है वहाँ पे वो मटेरियल है और वो परवेसिव है, यानी कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ है तो समरी में मैंने जो बातें इंक्लूड कर रखी हैं वो उसमें भी फैला हुआ है, उसका इफेक्ट उसमें भी है। सो दैट इज वाई अब इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर मी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसे 805 की तरह। तो पहला सिनेरियो था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है, EOM दिया हुआ है या OM पैरा दिया हुआ है, सो हम अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में बता देंगे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है या EOM इंक्लूड किया हुआ है या OM इंक्लूड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ये भी बता देंगे और उसका क्या प्रभाव होने वाला है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी बता देंगे। लेकिन अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने एडवर्स ओपिनियन दिया हुआ है या डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तब जो मेरा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट होगा यहाँ पे भी हम बता देंगे कि भैया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपन ने एडवर्स दिया है या फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपन ने डिस्क्लेमर दिया है, क्यों दिया है ये भी बता देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इफेक्ट कंसिडर नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ओपिनियन दूंगा ही नहीं। इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर मी टू इशू ए रिपोर्ट, इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर मी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, अब देखना तीसरा सिनेरियो सर। अब तीसरा सिनेरियो क्या है, अब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें तो मैंने जारी किया था अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इशू करा था अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बट मॉडिफाइड ओपिनियन मैं इशू करूंगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या इशू करने वाला हूं, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करने वाला हूं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहले दो सिनेरियोज में क्या था कि वहां तो मैंने दिया था एडवर्स ओपिनियन क्वालिफिकेशन, बट यहां मेरे को देने का मन कर रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब इट वाज अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट वाज एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने दिया हुआ है क्लीन ओपिनियन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त मैंने दिया हुआ है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है दिस इज नॉट ए फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट मेड एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, यहाँ फिगर्स मिसमैच हो रही हैं। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजमेंट को बोलूंगा कि मैनेजमेंट देखो तुम्हारा जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैली नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मिसमैच है फिगर्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि दिस इज नॉट ए फेयर समरी, दिस इज नॉट एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, सो काइंडली मेक चेंजेस इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मैनेजमेंट चेंजेस कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैनेजमेंट चेंजेस नहीं करता है तो मैं इशू करूंगा यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन। क्या करूंगा? मैं इशू करूंगा एडवर्स ओपिनियन। एकदम लॉजिकल सी चीज है। एंड यहाँ पे एक आखिरी सिनेरियो है, ठीक है, एक आखिरी सिनेरियो है। मान लो लेट अस से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना था और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी बन रही है। तो अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना था तो याद करो SA 800, याद करो SA 800, देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूसेज ऑफ सच रिपोर्ट, कि वो जो रिपोर्ट है उसका यूसेज रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बन के स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनता है तो एक रेस्ट्रिक्शन होता है ऑन द यूसेज ऑफ सच रिपोर्ट। अब ये जो समरी बना है वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना है जो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना था। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूसेज वहां पे था ना, वो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूसेज यहां पे भी होगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना, मतलब यूसेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसका समरी जो है उसके यूसेज में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बना था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से तो उसके यूसेज में रेस्ट्रिक्शन था, तो अगर उसके यूसेज में रेस्ट्रिक्शन था तो जो समरी उससे डिराइव्ड हो रही है उसके यूसेज में भी सिमिलर रेस्ट्रिक्शन रहेगा, उसके यूसेज में भी सिमिलर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओपिनियन ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 4 कैटेगरीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, किसी भी पार्टिकुलर सिनेरियो से केस स्टडी बन सकता है, ध्यान रखना अपने को। उसके बाद अब कुछ सिंपल बातें हैं, तुम ये समझ लो कि हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं ऐसे 710 का, एप्लीकेशन देखने वाले हैं ऐसे 720 का, और एप्लीकेशन देखने वाले हैं ऐसे 560 का। वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ ऐसे 710, 720 एंड ऐसे 560 इन दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऐसे 710 का। तो अगर ऐसा 710 की बात करें तो ऐसा 710 याद करो किस चीज के बारे में था? कंपैरेटिव्स के बारे में था। किस चीज के बारे में था? कंपैरेटिव्स के बारे में था। तो करंट ईयर के इंफॉर्मेशन के साथ पिछले साल के इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया जाता था, है ना। करंट ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ पिछले साल के इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया जाता था ताकि हम लोग उसे कंपेयर कर सकें। दैट वॉज देयर इन ऐसा 710। तो अब एक चीज बताना मुझे, जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे, जो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे, ठीक है ना, एज अ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, जो कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना था, तो वहां पे कंपैरेटिव्स इंक्लूडेड था, है कि नहीं? कंपैरेटिव्स इंक्लूडेड था। तो आइडियली अब अगर उसका समरी बनेगा यहाँ पे भी कंपैरेटिव्स इंक्लूडेड होना चाहिए। वो लॉजिक सेम है, वो स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे भी है, अगर आपने नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से, अगर वहां आपने कंपैरेटिव्स इंक्लूड करा है तो इन दैट सिनेरियो अब जब आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव्स इंक्लूड होना चाहिए। अब अगर कंपैरेटिव्स इंक्लूड नहीं करता है मैनेजमेंट तो ऑडिटर देखेगा कंपैरेटिव्स इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, ये जो ऑमिशन है क्या ये जेन्युइन है, ये जो ऑमिशन है क्या ये रिजनेबल है, क्या मैनेजमेंट यहाँ पे कंपैरेटिव्स एक्सक्लूड कर सकता था या मैनेजमेंट को कंपैरेटिव्स यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था। और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव्स है तो ऐसे 710 के प्रिंसिपल्स यहाँ भी लग जाएंगे, 710 के प्रिंसिपल्स यहाँ भी लग जाएंगे। मतलब एकदम आसान है भाई, कि जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अगर उसमें कंपैरेटिव्स था तो लॉजिकली स्पीकिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कंपैरेटिव्स होना चाहिए। अब अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव्स नहीं है तो ऑडिटर पूछेगा क्यों कंपैरेटिव्स नहीं है भैया, ये ओमिशन रिजनेबल है कि नहीं है। और अगर कंपैरेटिव्स है तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑडिटर अप्लाई करेगा प्रिंसिपल ऑफ एसए 710। अगर क्वेश्चन आ जाए तो भैया वहां पे 710 के जो प्रिंसिपल्स है वो भी लिख के आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। अगला सिनेरियो, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जा रहा है विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसा 700 का एप्लीकेशन लग रहा है। यहाँ पे सेम सिनेरियो आपने ऐसे 805 में भी देखा था, ठीक है ना, कि ऐसा भी हो सकता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसा 700 में भी अपन क्या देखते थे, 805 में भी अपन क्या देखते थे कि अपना मेन एजेंडा क्या है एज ए ऑडिटर, कि आपने क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया है कि नहीं, कहीं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं जो स्पेसिफिक यूजर है वो कंफ्यूज ना हो जाए, उसको ये ना लगे कि वो जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में मेरा कंसर्न ये है कि कहीं यूजर को ये ना लगे कि जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो भी समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे इवैल्यूएट करना है कि ये जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है क्या इसको क्लियरली डिफरेंशिएट किया जा रहा है फ्रॉम द समरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर डिफरेंशिएशन है कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा भैया मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, ये जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तुमने इसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू कर दिया, और अब यूजर को ये लगेगा कि ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट है, और मैंने जो ओपिनियन दे रखा है वो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में भी दे रखा है। तो काइंडली आप इसे क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। काइंडली आप इसे क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट मेरी बात नहीं मानता और डिफरेंशिएशन नहीं करता तो कोई बात नहीं जी, मैं अपने रिपोर्ट में लिख दूंगा कि मेरा जो ओपिनियन है मेरा जो पार्टिकुलर ओपिनियन है वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। और मैं अपने रिपोर्ट में लिख दूंगा कि जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो मेरे रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। तो मैनेजमेंट को बोलूंगा डिफरेंशिएट कर, मैनेजमेंट डिफरेंशिएट करता है अच्छी बात है, मैनेजमेंट डिफरेंशिएट नहीं करता तो मैं रिपोर्ट में खुद ही लिख दूंगा भैया, ठीक है ना, कि दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई रिपोर्ट। तो अगेन लॉजिकल सी चीज है। तो यहां तुम बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ एस ए 700 लग रहा है, और फिर लगेगा प्रिंसिपल ऑफ एस ए 720, फिर लगेगा प्रिंसिपल ऑफ एस ए 720। अब एस ए 720 क्या था, अदर इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड था, याद है। तो अदर इंफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड में अपन ने क्या देखा, अदर इंफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड में अपन ने ये देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि जिस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वहां अदर इंफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था चेयरमैन डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट, ठीक है। तो कभी कभी वो जो अदर इंफॉर्मेशन होता है वो भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। तो अपना कंसर्न क्या रहता था कि कहीं कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, वो जो अदर इंफॉर्मेशन है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कहीं कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, कुछ रिविजन की नीड तो नहीं है। अगर रिविजन की नीड होती थी तो मैं मैनेजमेंट को बोलता था रिवाइज करके दीजिए, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यहां पे है, सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल है, 720 का ही कॉन्सेप्ट यहां भी एप्लीकेबल है कि ऑडिटर अगर अदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रेजेंट है इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन जा रहा है उसी डॉक्यूमेंट में अदर इंफॉर्मेशन भी जा रहा है। तो ऑडिटर क्या करने वाला है, अदर इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से रीड करने वाला है, दैट इज इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। टू कंसिडर कि अदर इंफॉर्मेशन एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, और अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको रिवाइज करने की नीड है क्या। अगर इंफॉर्मेशन जो गलत प्रेजेंट किया गया है वो समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किया गया है तो मैं उसको रिवाइज करने के लिए बोलूंगा, और अगर जो इंफॉर्मेशन गलत प्रेजेंट किया गया है वो अदर इंफॉर्मेशन में किया गया है मैं उसको रिवाइज करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आई विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ एस ए 720 अप्लाइज। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वगैरह इसलिए नहीं लिया क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स वगैरह अपन ने ऐसे 720 में लिया था, ठीक है। याद है ना 720 में क्या एग्जाम्पल्स लिए थे अपन ने कि मान लो भाई डेप्रिसिएशन का फिगर है तो जो पार्टिकुलरली या मान लो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर है तो अदर इंफॉर्मेशन में तो कंपनी बोल रहा है कि भैया हम पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को दिख रहा है कि कंपनी इज इंक्रिंग रेकरिंग लॉसेस, ठीक है। या अदर इंफॉर्मेशन में कंपनी बोल रही है कि हम 5 साल से लगातार डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है कि कंपनी तो लॉसेस सफर कर रही है, तो आखिर वो डिविडेंड दे कहां से रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई मैटर इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और एक लास्ट पार्टिकुलर टॉपिक इस स्टैंडर्ड के अंदर आता है ऑडिटर्स एसोसिएशन। ऑडिटर्स एसोसिएशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट द एंटिटीज प्लान टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑल्सो। मैं मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिटर हूँ, ऑडिट मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट मैंने किया है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट मैं कर रहा हूँ। अब जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा है वहाँ ऑडिटर मेन ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मेन ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा। अब आइडियली होना क्या चाहिए सर कि जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा है वहाँ रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट भी जा रहा है। तो अगर मैंने देखा कि जिस डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रही है उसमें रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट नहीं जा रही है, तो मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो जो रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसे भी उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर लीजिए। और अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता है, मेरे बोलने पे भी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं करता है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या करूंगा। अब देखो, यहां ये बोलना एकदम गलत है कि यार मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दूंगा, क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन तब इशू करूंगा ना जब उसका कोई इंपैक्ट होगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये बोलना भी गलत है कि मैं विड्रॉ कर लूंगा, वो ज्यादा हर्ष हो गया। तो यहां पे सेफली क्या बोला, ठीक है, कि मैं एप्रोप्रिएट एक्शंस लूंगा, मैं एप्रोप्रिएट एक्शंस लूंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, एप्रोप्रिएट एक्शंस लूंगा। अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता तो मैं एप्रोप्रिएट एक्शंस लूंगा दैट इज डिजाइंड टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग द ऑडिटर विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दैट डॉक्यूमेंट। तो जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा मैं वो लूंगा, जैसे कि मैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भैया जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, और अगर आपको मेन ऑडिट रिपोर्ट चाहिए तो आप मेन ऑडिट रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हो, कंपनी के वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। एंड अदर एप्रोप्रिएट एक्शंस the auditor may take when the management does not take the requested action may include informing the intended users and other known third party users of inappropriate reference to the auditor oblique seek legal advice, ठीक है ना, oblique seek legal advice, ठीक है। तो सिंपल बातें जो particularly मेरे को याद रखना है। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो तीन स्टेजेस हैं, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट मेरे को किन बातों का ध्यान रखना है, फिर इवैल्यूएशन, किन चीज़ों का इवैल्यूएशन करना है, मुझे 6 चीज़ का इवैल्यूएशन करना है, एक चीज़ को कंपेयर करना है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड माय ओपिनियन, ये सारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा तुम देखोगे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, और फिर कंपैरेटिव्स वाला जो स्टैंडर्ड है उसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना, अदर इन्फॉर्मेशन का जो स्टैंडर्ड है उसका एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है दूसरे स्टैंडर्ड का। अच्छा, ऐसे 560 का भी एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जो स्टैंडर्ड है उसका भी एप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कि सब्सिक्वेंट इवेंट वाला जो स्टैंडर्ड है ऐसे 560, वहां अपन क्या करते हैं, अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारी जो है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पार्टिकुलरली उसी डेट तक है जिस तारीख को मैंने रिपोर्ट इशू करा है। रिपोर्ट इशू करने के बाद अगर और कोई घटना घटती है, रिपोर्ट इशू करने के बाद अगर और कोई घटना घटती है, कोई ऐसा इंसिडेंट इंकर होता है, कोई ऐसा इवेंट इंकर होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसर्न कर रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर को, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे नहीं है, ठीक है ना। मतलब आई एम नॉट लायबल टुवर्ड द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो एक जो सब्सिक्वेंट इवेंट का जो स्टैंडर्ड है वहां जो एक जनरल स्टेटमेंट अपन अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं कि मेरा जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की तरफ नहीं है, मैंने जिस तारीख को रिपोर्ट इशू कर दिया अगर उस तारीख के बाद कोई घटना घटती है तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टुवर्ड्स दैट, क्योंकि मैंने ओपिनियन सिर्फ इस तारीख तक ही दिया है, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ जाएगा, वो स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर रिपोर्ट देने से पहले, रिपोर्ट इशू करने से पहले मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो वहाँ पे ऐसे 560 एप्लीकेबल हो जाता था। ऐसे 560 के अंदर हम लोग देखते थे कि किस तरीके से उन इवेंट्स को एडजस्ट करना है इन हार्मनी विद AS4, तो सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो तुम ये याद रखना कि ऐसे 560 का भी एप्लीकेशन यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे 560 का एप्लीकेशन लग जाएगा, 710 का लग जाएगा, 720 का लग जाएगा, ठीक है ना, और 700 का भी लग जाएगा। तो इन सारे स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेशन यहाँ पे लग जाएंगे। और तुमने देखा एक आधा जगह पे ऐसे 800 का भी एप्लीकेशन लग रहा था, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाला जो पॉइंट था, ठीक है, तो एक आधा जगह पे ऐसे 800 का भी एप्लीकेशन लग रहा था। तो ये सारी चीजें तुमको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर याद रखनी है, बहुत सिंपल है, engagement to report on summary financial information।